तो कैसे हो प्रधान जी, 10,700 सब्सक्राइबर, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहते हो भाई, 13 आ गया, लॉन्च होने जा रहा है 31 अक्टूबर 2024 चाइना में। 12 और 13 में क्या फर्क है, साथ जोड़ूंगा। एक ये फोटो सबसे पहले देखिए, ये हमारे गौरव चौधरी सर हैं। कौन नहीं जानता भाई, इतना बड़ा चैनल है भाई। देख सकते हैं आप आईफोन को कैसे अपने ऊपर डाल रखा है। यहाँ तो ससुरा एंड्रॉयड भी सही से नसीब नहीं होता, तो जलवा है भाई। अपना अपना ये फोटोज देखा, बड़ा मतलब मॉर्निंग। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे वन प्लस 13 के बारे में। पहले ये फोटोज देखिए, क्या गजब के जबरदस्त डिजाइन है। डिजाइन क्या, वही सेम 12 वाली डिजाइन आपको देखने को मिल रही इस फोन में भी। बस थोड़ी सी एक चीज चेंजिंग की, वो आप देख सकते हैं, जो कि एक कैमरा मॉड्यूल के नीचे से एक पट्टी जो कर्व आगे कर्व की गई थी, तो वही बस सेम वो चीज इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगी। बाकी एक सिंपल जो है कैमरा मॉड्यूल, हल्का सा साइड में आपको देखने को मिलेगा मॉड्यूल, वही 12 वाला ही आपको देखने को मिल रहा है। 53 रियल कैमरा सेटअप के साथ में डिस्प्ले। 12 में क्या क्या मिला था वो मैं आपको बता दूं। देखिए 12 में आपको 6.82 इंच की बड़ी डिस्प्ले मिली थी, जो कि 2K वाली डिस्प्ले है। ये डिस्प्ले थोड़ी सी बेहतर होती है, यानी QHD प्लस डिस्प्ले होती है, क्वाड हाई डिफिनेशन वाली डिस्प्ले। फुल HD से थोड़ी सी बेहतर डिस्प्ले होती है, क्योंकि मैं आपको डिस्प्ले के बारे में समझा दूं थोड़ा सा, जो कि आप समझ सकते हैं। ठीक है, 1.5K रिजोल्यूशन वाली जो होती है डिस्प्ले, वो 1260x2800 पिक्सल रिजोल्यूशन वाली, यानी ये चौड़ाई में 1260 पिक्सल रहते हैं और लंबाई में जो है ये पिक्सल जो इसमें होते हैं वो 2800 पिक्सल रिजोल्यूशन होता है, तो बेहतर होती है। वही 1080x2400 पिक्सल रिजोल्यूशन वाली जो होती है, ये फुल HD डिस्प्ले होती है, उसमें भी इसी तरह का पिक्सल रिजोल्यूशन होता है। 720x1600 पिक्सल IPS LCD डिस्प्ले देखते होंगे, उसमें जो है 720 होता है और 1600 चौड़ाई में आपको पिक्सल देखने को मिलेंगे। उसमें 270 इंच में जो है पिक्सल देखने को मिलेंगे उस डिस्प्ले में। ये डिस्प्ले QHD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलेगी, तो हाई डिफिनेशन वाली डिस्प्ले है। तो ये 1440x3168 पिक्सल डिस्प्ले, 1440 पिक्सल रहते हैं, तो बस यही फर्क है। और 1260x2800 पिक्सल वाली 1.5K रिजोल्यूशन वाली डिस्प्ले बोली जाती है, और ये 2K डिस्प्ले इस डिस्प्ले को बोलते हैं। तो ये डिस्प्ले 12 में आपको देखने को मिल गई थी, जो कि 6.82 इंच की बड़ी डिस्प्ले मिली थी OnePlus 12 में, और Pro XDR LTPO डिस्प्ले मिली थी। इसमें थोड़ा सा क्या फर्क है वो मैं आपको बता दूं। देखिए OnePlus 13 में आपको क्वाड कर्व डिस्प्ले देखने को मिलेगी, यानी माइक्रो क्वाड कर्व, हल्की सी कर्व, फ्लैट ही डिस्प्ले पर मामूली सी चारों तरफ से, ऊपर से भी आपको हल्की सी माइक्रो क्वाड कर्व डिस्प्ले आपको इसमें देखने को मिलेगी। 45 यूनिट्स की पीक ब्राइटनेस OnePlus 12 में भी दी गई थी, और इसमें भी आपको 45 यूनिट पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। 120Hz रिफ्रेश रेट मिला था, दोनों में आपको सेम रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है देखने। और ये दोनों डिस्प्ले जो है 10 बिट वाली हैं, बेहतर हैं, जबरदस्त हैं, डिस्प्ले में कोई शक नहीं। आइए हम बात करते हैं कैमराज में कितना फर्क है। 13 में कैमरा जो दिया गया मैन जो है 50 मेगापिक्सल का LYT 808 का, ये लेंस बेहतर है, अच्छा फोटोज निकालता है गजब के। 50 मेगापिक्सल का इसमें जो है GN5 का जो है अल्ट्रा वाइड लेंस दिया गया, और LYT 600 85 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस इसमें दिया गया, जो कि पेरिस्कोप है और फोटोज बेहतर निकालने में जूमिंग के लिए ठीक ठाक है 3x ऑप्टिकल जूम के साथ। तो ये रहे मैन कैमरा। और सामने की तरफ इसमें भी 32 मेगापिक्सल का आपको देखने को मिलेगा OnePlus 13 में मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी कंफर्म नहीं है कि 32 मेगापिक्सल का फ्रंट में कैमरा लेंस है या नहीं, 50 मेगापिक्सल का भी दे सकते हैं। वहीं अगर 12 की बात करें तो इसमें 50 मेगापिक्सल का मैन लेंस और 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 64 मेगापिक्सल का टेलीफोटो पेरिस्कोप लेंस मिला था इस फोन में। तो कैमराज के मामले में कहूँगा ठीक है, दोनों लगभग बढ़िया है। थोड़ा सा बेहतर लेंस इसमें देखने को मिल रहे हैं वो 13 में, थोड़े से बेहतर, यानी सोनी कंपनी के आपको लेंस देखने को मिल रहे हैं। अब बात करता हूँ बैटरी भाई। देखो 12 में आपको मिली थी 5400mAh की बैटरी, 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करने वाली, वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी मिला था शायद। और OnePlus 13 की अगर बात करें तो इसमें 6000 से लेकर 6100mAh की बैटरी दी जा सकती है, और इसको जो है 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलने वाला, इसमें वायरलेस चार्जिंग भी 50W वायरलेस चार्जिंग का भी और मैग्नेट सपोर्ट भी देखने को मिल सकता है। IP68 की रेटिंग मिली हुई है, फुली वाटरप्रूफ और डस्टप्रूफ स्मार्टफोन है ये OnePlus 13। OnePlus 12 का ही अपग्रेड वर्जन है, इस वजह से 12 के साथ में मैं आपको बता रहा हूँ OnePlus 13 के बारे में। देखिए चिपसेट के मामले में मैं आपको बता दूं, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 का प्रोसेसर मिला था 12 में, जिसका स्कोर 17 लाख के आसपास रहता है। बेहतर, बहुत ही कमाल का चिपसेट दिया गया था पिछले साल, ये जनवरी में लॉन्च हुआ था शायद, बहुत ही कमाल का स्मार्टफोन में चिपसेट आपको मिला था उस टाइम।
बेहतर स्ट्रीम और गेमिंग करने वाला। इस फोन में चिपसेट बताया जा रहा जो वो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 एक्सट्रीम एडिशन का, तो ये थोड़ा सा मुझे वही क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 4 का ही चिपसेट आपको लगभग देखने को मिलेगा। इसका स्कोर अगर 3 मिलियन वाला है, 30 लाख का स्कोर निकालता है इंतुतु स्कोर, तो ये बहुत ही परफेक्ट है। ये का जो X200 है उसमें जो चिपसेट आपको मिला था 30 मिलियन वाला, वही चिपसेट अगर इसमें भी उसी तरह का चिपसेट अगर 4 का मिलता है तो ये मोबाइल फोन बहुत ही कमाल का हो जाएगा। फिर तो नेक्स्ट लेवल चिपसेट आपको इसमें मिलने वाला। अब बात करता हूँ दोस्तों रैम स्टोरेज की। तो देखिए रैम के मामले में बता दूं 12 GB रैम प्लस 16 GB रैम में भी आपको देखने को मिल जाएगा। 256 GB स्टोरेज में भी मिल जाएगा 12 जो कि और 512 GB स्टोरेज में मिल जाएगा। रैम वो LPDDR5X रैम मिलेगी, दोनों में आपको सेम मिल जाती है। और रैम यही होगी 12 GB रैम प्लस 16 GB रैम में स्टोरेज में मिलेगा। और यू स्टोरेज जो है UFS 4.0 की ही देखने को मिल रही है इसमें भी। आप पिछले साल जो लॉन्च हुआ 12 उसमें भी UFS 4.0 की ही स्टोरेज मिली थी, तो स्टोरेज सेम आपको दोनों में मिल जाती है। बाकी इसमें अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। और ये स्मार्टफोन देखो NFC IR ब्लास्टर और एक्सिस हैप्टिक मोटर भी मिलेगा। और इसके साथ मेटल फ्रेम है इस फोन का, अलर्ट स्लाइडर इसमें दिया गया है और डुअल स्टूडियो स्पीकर इसमें आपको देखने को मिलेगा। बाकी डॉल्बी विजन तो है ही है, डॉल्बी विजन का सपोर्ट भी मिल जाता है। बाकी बहुत सारे फीचर, 5G स्मार्टफोन, डुअल सिम 5G और बहुत सारे फीचर्स लेस। डिस्प्ले में कोई शक नहीं, कैमरा भी अच्छे ठीक ठाक आपको बढ़िया मिल जाते हैं। प्राइस क्या होने वाली है, यही अक्टूबर में लॉन्च होगा, 31 अक्टूबर को चाइना में लॉन्च होगा, कंफर्म है। इंडिया में भाई जनवरी में लॉन्च हो सकता है क्योंकि भाई पिछले साल 12 भी जनवरी में ही लॉन्च हुआ। दोनों बढ़िया स्मार्टफोन है, डिजाइन थोड़ी सी चेंजिंग है, हेजल ब्रांडिंग का सपोर्ट मिल जाता तो अब कंपनी पे भरोसा करते हैं अगर वन प्लस के स्मार्टफोन पे तो भाई ठीक है। बहरहाल इस वक्त हाइप है स्मार्टफोन की, लोग पूछ भी रहे हैं स्मार्टफोन के बारे में और आप भी जानना शायद चाहते हो वन प्लस 13 के बारे में। अब भाई 12R भी जब लॉन्च हुआ लोगों ने खूब पसंद किया था, अब वन प्लस 13 भी लॉन्च हो रहा तो देखता हूँ ये इंडिया में कब लॉन्च होगा, तो मैं इसकी अनबॉक्सिंग करूँगा जरूर। वीडियो बने रहे, कुछ भी करना हो कमेंट बॉक्स में लिखें, आपको कुछ भी पूछना हो, कुछ भी जानकारी चाहिए हो। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ अगले वीडियो में, शुक्रिया, जय।